अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। आज गणपति उत्सव का पहला दिन, कल गणपति जी की स्थापना का दिन था और आज डेढ़ दिन के गणपति विसर्जन का दिन आ चुका है और डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन आज पहले दिन शुरू हो चुका है। इस समय हम मौजूद है वसई दीवान मान क्षेत्र में। वसई विरार महानगर पालिका जो हर साल इस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं करती है कि लोगों को दिक्कत न हो, तकलीफ़ न हो और आराम से विसर्जन हो जाए, तो उसी को लेकर इस साल भी व्यवस्थाएं काफ़ी सारी की गई है। और ये हम दीवान मान के तालाब है, यहाँ तालाब के यहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉलंटियर्स है। ये वॉलंटियर्स गणपति की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। किसी व्यक्ति को पर्सनली अंदर जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि किसी तरह का हादसा ना हो। ये वॉलंटियर्स सभी जो है वो काफ़ी प्रशिक्षित है और पिछले कई सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ विसर्जन लोग कर रहे हैं, लोग खुश है कि अपने बप्पा का वो विसर्जन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ वसई विरार महानगर पालिका जो पिछले 3 सालों से कृत्रिम तालाब में पर्यावरण पूरक गणपति विसर्जन को लेकर काफ़ी आह्वान कर रही है और उसको पिछले सालों में काफ़ी लोगों का सहयोग मिला भी है। इस साल भी आशा करते हैं कि लोग सहयोग करेंगे। पिछले साल की बात की जाए तो 65% से अधिक विसर्जन कृत्रिम तालाबों में हुआ था, तो कृत्रिम तालाब भी यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं। वसई विरार अंतर्गत पूरे वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 110 के लगभग कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है। निर्मल्य कलश रखे गए हैं कृत्रिम तालाब में मूर्ति विसर्जन करने के लिए। वो कृत्रिम तालाब है और मूर्ति उसमें विसर्जित करने के बाद तुरंत वहां से निकालकर ट्रक में भरकर दूसरी जगह पहुंचा दी जाती है और ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। साथ ही साथ जो कलश है, निर्मल कलश, उसमें जो साथ में सामग्री आई होती है उसको रखा जाता है, उसको कंपोस्ट में यूज़ किया जाकर फिर से दोबारा उसके कुछ प्रोडक्ट बना दिए जाए। इस तरह का महानगर पालिका का जो पूरा सिस्टम है वो पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। इस बार भी महानगर पालिका आयुक्त वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव पाटिल, महिला महापौर प्रवीता टाई, सभी ने ये आह्वान किया है कि लोग पर्यावरण पूरक गणपति उत्साह साझा करने में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो विसर्जन है वो कृत्रिम तालाबों में हो। तो आज पहला दिन है, पहला दिन का उत्साह अलग ही होता है। हम सभी जानते हैं घरगुती गणपति जितने हैं वो आज विसर्जित कर दिए जाएंगे। अभी लोगों से बात भी की, उनको भी इसमें खुशी का एहसास हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस प्रबंध भी चाक चौबंद है। पुलिस के साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के लोग भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। महानगर पालिका का तो पूरा स्टाफ है ही, तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि गणपति उत्सव के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणपति उत्सव माना जाता है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं वसई विरार अंतर्गत की गई है और प्रशासन के हर एक अमला, वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, अग्निशमन दल हो या और भी बिजली विभाग जो भी इसमें आता है, सभी ने मिलकर एक अच्छा बंदोबस्त किया है। उम्मीद करते हैं कि लोग अपने भगवान को विदा करेंगे तो खुशी खुशी विदा करेंगे और लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। इतने आज गणपति दीड दिवसा गणपति से विसर्जन होता है और वसई विरार शहर महापालिके मार्फत दिवाणमान तलाव है चांगली सोई विसर्जना के लिए है। तसा गणपति सण हा मोठा सण है, महाराष्ट्रातच नव्हे तर संबंध देशात उत्साहाने आनंदाने साजरा केला जातो। मात्र उत्साहाने आनंदाने साजरा केला जात असताना आपल्याला पर्यावरणाचं भान देखील ठेवायला पाहिजे। वसई विरार शहर महापालिकेने गेल्या 2 वर्षापासून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी चांगली उपाययोजना केलेली आहे। विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव केलेले आहेत, टेम्पोर कृत्रिम तलाव केलेले आहेत आणि लोक त्याचा आनंद घेत आहेत, कृत्रिम तलावात विसर्जन करत आहेत। तसंच गणपतीसोबत जे निर्माल्य असतं ते निर्माल्य कलशात टाकावं असं महापालिकेने विनंती केलेली आहे। त्या निर्माल्य कलशात जे निर्माल्य असतं त्याची महापालिका खतनिर्मिती करते आणि ते खत मग ठिकठिकाणी वृक्षांसाठी वापरलं जातं। तर ही गेल्या 2-3 वर्षापासून चांगली उपाययोजना महापालिका पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी करत आहे। माझी सर्व नागरिकांना
किंवा गणपती उत्सव मंडळांना विनंती आहे की कृत्रिम तलावाचा वापर करून कृत्रिम तलावात विसर्जन करा आणि निर्माल्य कलशात टाका, जेणेकरून ते पाण्यात जाऊन किंवा तलावात जाऊन पाणी दूषित होणार नाही आणि त्यापासून खतनिर्मिती होईल। त्यामुळे या चांगल्या उपक्रमाला आपल्या सगळ्या नागरिकांनी सहकार्य करावं आणि महापालिकेला साथ द्यावी अशी विनंती करत आहे। यहाँ 1.5 दिन का गणपति है, 1,500 के करीब खाजगी और 6 सार्वजनिक गणपति से विसर्जन है। यहाँ अभी तक तो बहुत शांति से चल रहा है और पालिका ने भी व्यवस्था अच्छी की है, पार्किंग व्यवस्था से लेके पुलिस बंदोबस्त, प्राथमिक उपचार केंद्र सब प्रॉपर व्यवस्था की गई है। अपने यहाँ पे ये सबसे बड़ा है दीवान मान, उसके बाद में उमेलमान तालाब और उमेलगांव तालाब, ये 3 बड़े हैं। उसके अलावा पालिका ने कृत्रिम तालाब जगह जगह पे खड़े किए हुए हैं, स्मूथली सब विसर्जन का प्रोसेस चालू है। कुछ आह्वान करना लोगों से? वही आह्वान करेंगे, जल्द से जल्द बाहर निकले, लेट ना करें, क्योंकि आज का तो गवर्नमेंट ने टाइम दिया है 12 बजे तक, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगाओगे तो विसर्जन सेंटर बंद हो जाएंगे। इसके लिए जल्दी लोगों को आह्वान यही करूँगा कि जल्दी बाहर निकले। गणपतीचं 1.5 दिवसाच्या गणपतीचं आज विसर्जन आहे, लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि आज रविवार असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक या विसर्जन सोहळा पाहण्यासाठी आणि आपल्या घरगुती गणपतींचं विसर्जन करण्यासाठी या ठिकाणी आलेला आहे। पालिकेने या ठिकाणी एक चांगली व्यवस्था उभी केलेली आहे, नैसर्गिक तलावामध्ये विसर्जन करण्यासोबत कृत्रिम तलावाची निर्मितीसुद्धा या ठिकाणी केलेली आहे आणि एकूणच पर्यावरणाच्या रक्षणाचा विषय लक्षात घेता नागरिकांचासुद्धा कृत्रिम तलावाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। त्यामुळे या ठिकाणी नागरिकांचंसुद्धा आम्ही आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो आणि महापालिकेने ही जी काही व्यवस्था उभी केली आहे आणि त्याला लोकांचा असलेला प्रतिसाद, या त्यामुळे महापालिकेचंही या ठिकाणी आपण महापालिका प्रशासनाचे आभार व्यक्त करू आणि लोकांचा जो उत्साह आहे त्याबद्दल लोकांचं अभिनंदन करू। खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी लोकं आलेली आहेत, पोलीस प्रशासनाने एक चांगला बंदोबस्त या ठिकाणी लावलेला आहे, त्यामुळे लोक या सगळ्या सणाचा आनंद घेत आहेत। सगळ्या लोकांना पुन्हा एकदा गणेश एकूण उत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणपती बाप्पा मोरया। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित कमले। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे, गणपति विसर्जन के लिए आए, आपको किस तरह से फील हो रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन का आपको सहयोग कैसा है? ये तो मैं तो वैसे में फर्स्ट टाइम हूँ, हम लोग मलाबार गोल्डन डायमंड्स की टीम की ओर से है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गणपति आयोजित किया था और अभी 1.5-2 दिन में हम लोग एकदम मौज मजे में गए। अभी जस्ट गणपति गए तो हम लोग को थोड़ा सबका मूड थोड़ा अनहैप्पी हो गया, लेकिन ये तो बाद में हम लोग को पता है अगले साल भी आने वाले, तो हम लोग और भी उत्साह से और भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच। महानगर पालिका पर्यावरण पूरक गणपति का आह्वान कर रही है लगातार, आपने अपना जो गणपति है वो जो कृत्रिम तालाब, हम लोगों ने जो डेकोरेशन वगैरह किया था वो भी पूरा इको फ्रेंडली था, आप देख सकते हो, और हम लोग का जो मूर्ति था पूरा माटी से बना हुआ था, तो जो भी हम लोग पर्यावरण के लिए पूर्वक है, जैसे महानगर पालिका बोलती है, गवर्नमेंट हमारे को बोलता है, हम लोग जो भी अनयूज चीज है, प्लास्टिक जैसे चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो भी अपने इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी चीज़ें उससे हम लोग डेकोरेशन करना चाहिए। हम लोग आपके द्वारा हम लोग सबको यही बोलना चाहते हैं कि आप भी अगले मतलब जो भी एक्टिविटीज करते हो, भी फेस्टिवल मनाते हो, इको फ्रेंडली करो और अपने इन्वायरमेंट को साथ। चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।